सो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा किसके ऊपर, तो ट्रिक टू रिमेंबर सेवन क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर कि कैसे आप याद रखेंगे सेवन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको आप आसानी से कैसे याद रखेंगे। और इसकी बात करें तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जैक बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। और इसे कह सकते हैं कि सी जी एच यानी कि छप गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो छप गया है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो मैं आपको ट्रिक की सहायता से सिखाऊंगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए और उसे याद रखिएगा, उसको दिल में, दिमाग में, खोपड़ी में घुसा लीजिए। क्या? तो CTOMTH और T याद रहेगा, CTOMTH T। क्या सर? CTOMTH T। देखो CTOM TH और T CTOMTH T इतना चीज़ याद रहेगा, याद रहेगा। अगर आपको नंबर वो यहाँ से उठाना है तो ये चीज़ तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, मैं इतना आपसे विश्वास करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। CTOMTH T क्लियर है? या मैं ऐसा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा CTOMTH T। तो C4 क्या हो गया यहाँ पे? क्यूबिक आप जानते हैं भली भांति, क्यूबिक क्या होता है? क्यूबिक C4 क्यूबिक। ओ T4 टेट्रागोनल, T4 टेट्रागोनल। चलिए बहुत बढ़िया, T4 टेट्रागोनल। O4 ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। M4 मोनोक्लिनिक, M4 मोनोक्लिनिक। T4 ट्राइक्लिनिक, H4 हेक्सागोनल। और लास्ट T4 ट्राइगोनल। तो मैंने आपको क्या याद रखने के लिए बोला कि आप इतना याद रखिएगा कि CTOMTH T C4 क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M4 मोनोक्लिनिक, T4 ट्राइक्लिनिक, H4 हेक्सागोनल और T4 ट्राइगोनल याद रहेगा। इस चीज़ को आप याद रखिए। अब बात करते हैं सर लेंथ की और इसकी एंगल की, कि इसमें लेंथ क्या होती है और एंगल क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए लेंथ क्या होती है और एंगल क्या होती है। लेंथ यहाँ पे लेंथ लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे एंगल, ठीक है। लेंथ और एंगल देख लेते हैं। तो देखिए काफ़ी सिंपल है, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। CTOMTH T और C4 हो गया क्यूबिक, T4 टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M4 मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, H से हेक्सागोनल और T से ट्राइगोनल, क्लियर है। तो देखिए सी यहाँ पे क्यूबिक में क्या हो जाएगा कि A=B=C, इसका लेंथ है, क्या है? लेंथ है, जो जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, A=B=C, क्लियर है, A=B=C। अब इसको क्या करेंगे, इसको A=B=, फिर से क्या करेंगे A=B=C। अब देखिए यहाँ पे A=B=C के तीनों में कर दिए, अब देखिए काफ़ी एक पैटर्न बनेगा, इसमें एक नोट इक्वल टू कर देंगे और इसमें दोनों नोट इक्वल टू कर देंगे, क्लियर है। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, तीनों बराबर होगा, तीनों इक्वल होगा, A=B=C। ट्राई टेट्रागोनल में क्या करेंगे, एगो नोट इक्वल के बराबर लगाएंगे, एगो इसमें कट कर देंगे, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक में दोनों को कट कर देंगे, इसमें एक भी नहीं, इसमें जीरो, इसमें एक और इसमें दोनों के दोनों कर देंगे, सही है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सर आगे, तो देखिए इसमें फिर क्या करेंगे, इसमें इसी प्रोसेस को दो बार दोहराएंगे, इसी को क्या करेंगे, दो बार और लिख देंगे, सही है। इसको क्या करेंगे, दो बार और से लिख देंगे, इसको नोट इक्वल के बराबर कर देंगे, A नोट इक्वल टू B नोट इक्वल टू C,
अब एक बार और कर देंगे, ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, सही है। इसको दो बार करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एंगल की, एंगल भी देख लेते हैं। तो एंगल भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। तो कैसा है, कैसे करेंगे एंगल इसका? तो देखिए एंगल में क्या करेंगे सर, कि देखिए एंगल में अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल होता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तीनों जो होता है 90 डिग्री के बराबर होगा। ये प्रोसेस कई बार करेंगे, तीन बार लगातार कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, यानी कि क्यूबिक टेट्रागोनल और ऑर्थोरोमिक में तीनों अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो फिर से कर लेते हैं तीन बार। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, सही है। फिर से करेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बात समझ में आ रही है। तो तीन बार क्या कर लिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर है। तीन बार पैटर्न बना लिए, तीन बार कर लिए इसकी। अब बात करते हैं आगे, तो इसमें फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखें यहाँ पे। तो करेंगे क्या कि अल्फ़ा जो है गामा के बराबर होगा, अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं, अल्फ़ा गामा के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा सर, 90 डिग्री के बराबर होगा। अब बात करते हैं बीटा के, तो बीटा इसमें क्या हो जाएगा, बीटा जो है नोट 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, सही है। अल्फ़ा गामा के बराबर हो गया, अल्फ़ा जो है गामा के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, अल्फ़ा गामा और 90 डिग्री के बराबर हो गया। जबकि बीटा जो यहाँ पे है, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं है, सही है। अब बात करते हैं आगे, तो टी फोर ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या है जी, ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी नोट 90 डिग्री, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा नोट 90। ये बहुत ही अजीब होता है, यहाँ इसमें कोई भी इक्वल नहीं होता है, क्या होता है जी, कोई भी इक्वल नहीं होता है 90 डिग्री, इसमें तीनों को नोट इक्वल नोट इक्वल नोट इक्वल टू कर देंगे, ठीक ना। इसमें कोई बराबर नहीं होता है, ये अजीब सा होता है। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे गामा लिखेंगे ना, यहाँ पे गामा हो जाएगा, गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री, क्लियर है। अल्फ़ा इज इक्वल टू नॉट इक्वल, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सही है ना। ये इसमें किस कोई भी एंगल बराबर नहीं होता है। अब बात करते हैं इसमें, तो जैसा कि हमने देखा इसका एंगल भी कुछ देख लिया, इसका लेंथ भी देख लिया। और लेंथ में हमने क्या देखा, लेंथ में चलिए बात करते हैं लेंथ में। तो लेंथ में क्यूबिक में मैंने क्या बताया, मैंने शुरू से बताया सी टी ओ एम टी एच टी, याद रख लीजिए। अब लेंथ इसकी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कर लीजिए, इसमें ए गो कीजिए, ए गो नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, इसमें फिर दो गो नॉट इक्वल टू लगा दीजिए। और मैंने बताया कि इसको दो बार और दोहरा लीजिए, क्या कीजिए कि दो बार और दोहरा लीजिए। तो दो बार मैंने जैसे कि बताया, तो दो बार और मैंने नॉट इक्वल टू लगा दिया। फिर क्या करेंगे, दो गो और बच गया, तो इसमें क्या कर देंगे जी, इसमें देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या करेंगे, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल, तो हेक्सागोनल में कर देंगे, ए इज इक्वल टू बी रहेगा बट नॉट इक्वल टू सी रहेगा। अब लास्ट कर देंगे ट्राइगोनल, तो लास्ट वन क्या कर देंगे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सही है। तो ये पैटर्न आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप याद रख सकते हैं, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे कर लीजिए। तो मैंने क्या क्या कर दिया, लेंथ में क्या बताया कि लेंथ में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा, क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रहेगा, क्लियर है। फिर टेट्रागोनल में क्या बताया कि ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि ए को नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, फिर दो को नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, फिर इसको दो बार और दोहरा दीजिए, तो दो बार जैसा कि बताया, तो दो बार और दोहरा दिए। फिर एक बार क्या करेंगे, दो बार दो को बच गया, तो उसको क्या करेंगे कि एक बार नॉट इक्वल टू लगा देंगे, और इसमें एको को नॉट इक्वल टू नहीं लगेंगे, सही है। ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया। अब बच गया इसका एंगल, एंगल की बात करते हैं, तो एंगल में क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया कि तीन बार अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री। अब मैंने क्या बताया कि इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए, इसे आप याद रख लीजिए, जरा सा इसके आप याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए, तो इसमें क्या रखिए कि अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा नहीं 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री और बीटा नोट 90 डिग्री, क्लियर है।
अब बात करते हैं ट्राइक्लिनिक के। तो ट्राइक्लिनिक में क्या रख लीजिए, मैंने ये बताया कि ये अजीब सा होता है, तो मतलब कि ये कोई इसमें एंगलवे जो होता है ना बराबर नहीं होता है, मतलब कि सब नॉट इक्वल टू होता है, सही ना। अब बात करते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है कि देखिए अल्फा इज इक्वल टू, एक मिनट, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू क्या, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो गामा है गामा 120 डिग्री, कितना जी 120 डिग्री। अल्फा बीटा जो रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, 90 डिग्री के बराबर रहेगा, अल्फा बीटा के बराबर रहेगा, और ये किसके बराबर रहेगा, 90 डिग्री के बराबर रहेगा। बट यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कि जो आपका गामा जो है 120 डिग्री है, गामा कितना है सर 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये थोड़ा सा अजीब सा है तो आप याद रख सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन किसी में गामा 120 डिग्री नहीं होता था, लेकिन हेक्सागोनल में 120 डिग्री होता है, तो थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, मैं इतना उम्मीद आपसे कर रहा हूँ। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, जो कि अब हमारा लास्ट है, ट्राइगोनल में क्या हो जाएगा। ट्राइगोनल में देखिए, ट्राइगोनल में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसे ज़रूर कर लीजिए, और यहाँ से आप नंबर आसानी से उठा लीजिए। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया सर आपको, कि आप एक चीज़ याद रख लीजिए, क्या याद रख लीजिए कि सी टी ओ एम टी एच और टी, सी टी ओ एम टी एच टी, सी फोर कहें तो क्यूबिक, एम टी फोर कहें तो टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरम्बिक, एम फोर मोनोक्लिनिक, टी फोर ट्राइक्लिनिक, और लास्ट एच फोर हेक्सागोनल, और लास्ट टी फोर ट्राइगोनल, क्लियर है। ये याद रखने के लिए बोले सी टी ओ एम टी एच टी, सी फोर क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, और टी से ट्राइगोनल, सही है, इतना याद रख लीजिए। इसके बाद लेंथ और एंगल की बात करते हैं, कि इसकी लेंथ क्या होती है और एंगल क्या होती है। तो लेंथ जो बताया मैंने कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, फिर एक बार इसमें नॉट इक्वल टू लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, क्या करेंगे एक बार लगाएंगे, फिर इसमें दो बार लगाएंगे, फिर इस प्रोसेस को दो बार और दोहराएंगे, क्लियर है। तो जैसा कि मैंने यहाँ दोहराया एक बार और एक बार फिर से यहाँ किया, फिर क्या करेंगे दो को और बच गया, तो इसमें एक को नॉट इक्वल टू लगाएंगे, एक को नॉट इक्वल टू लगाएंगे, और ये इसको बराबर ही रहने देंगे, क्लियर है, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो गया। अब बात करते हैं एंगल के, तो एंगल में भी काफ़ी उतना टफ नहीं है, एंगल भी आपका काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ए इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, फिर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री के बराबर, ये तीन बार हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक से, तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू गामा होता है, और किसके इक्वल टू होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा नॉट 90 डिग्री। अब बात करते हैं ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक में ये बताया कि अजीब सा होता है, तीनों इसमें एंगल में जो होता है बराबर नहीं होता है, क्लियर है, ट्राइक्लिनिक याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में अल्फा जो है बीटा के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। और बात करते हैं इसमें गामा, गामा जो है, गामा किसी में 120 डिग्री नहीं होता है, लेकिन इसी में 120 डिग्री होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा लास्ट है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही है आपका, क्या है कि ट्रिक है 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम को याद रखने के लिए, ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही मतलब कि आप लोगों के लिए आसानी होगी, और आप लोग याद आसानी से कर पाइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।